डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक क्लास सेकंड भाषा माधुरी। तो इसमें जो लेसन वन है ये कविता मैंने आपको समझा दी थी पहले, और अभी आपको ये शब्दार्थ समझाएंगे, ठीक है। और आप एक ऐसा काम करना कि इसकी नोटबुक बनानी है आपको, ये जो बुक है इसकी आपको एक नोटबुक बनानी है, उसके अंदर ये जो शब्दार्थ अभी लिखवाएंगे वो शब्दार्थ आपको राइट करने हैं और आपको लर्न भी करने हैं। तो ये शब्दार्थ हैं, देखो, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी भाषा माधुरी, पार्ट वन यानी कि लेसन वन, और उसका नाम है प्रार्थना। ये कविता के रूप में है, और ये जो शब्दार्थ हैं ये आपको एक नोटबुक में लिखने हैं, एकदम फ्रेश नोटबुक, नई नोटबुक आपको बनानी है, और उसको कवर भी कर लेना, और कवर करवा लेना अपनी मम्मी से। और अभी ये जो शब्दार्थ हैं ये मैं आपको समझा देती हूँ, और ये आपको कॉपी में लिखने हैं और आपको याद भी करने हैं, आपको लर्न भी करने हैं। जैसे शब्दार्थ शब्द है, फर्स्ट शब्द है विनती, विनती का अर्थ है प्रार्थना, विनती का अर्थ है प्रार्थना। दूसरा शब्द ध्यान, आधा ध्य या ने, ध्यान, ध्यान का अर्थ है स्मरण यानी याद, तो ध्यान का अर्थ है स्मरण। अगला शब्द है महान, महान, महान का अर्थ है बड़ा, बड़ा, महान का क्या अर्थ है बड़ा। अगला शब्द है नित्य, नी आधा तय ये, नित्य, नित्य का अर्थ है रोजाना, रोजाना। अगला शब्द है वरदान, व र दा न, वरदान, वरदान का अर्थ है आशीर्वाद। आ सी और वा के ऊपर आधा र है, र वा द आशीर्वाद, क्या है ये शब्द आशीर्वाद। अगला शब्द है इंसान, ई ऊपर बिंदु है ये न आधा न है, सा और न, इंसान, इंसान का अर्थ है आदमी, आदमी, इंसान का अर्थ है आदमी। अगला शब्द है नादान, नादान, नादान का अर्थ है सीधे, सीधे, सरल, सरल, सीधे सरल। इससे अगला शब्द है विदया, ये देखो ये द है ये आधा है, ये हलंत है, हलंत, ये इसके नीचे हलंत लगाया हुआ है और ये आधा है, आधा वर्ण है। विदया, विद्या, विद्या का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। अगला शब्द है स, मैं, मा, ने, सम्मान, देखो स आधा में मा न सम्मान, इसका अर्थ है आदर, आदर, इसका अर्थ है आदर, आदर। अगला शब्द है सदा, सदा, अगला क्या अर्थ है स, नहीं, शब्द है सदा, सदा, इसका अर्थ है हमेशा, 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 हमेशा। अगला शब्द है बुद्धि, देखो ये दो जो द है, द तो आधा है, इसमें दिखाई तो क्या दे रहा है ध आधा दिख रहा है, लेकिन ये ध तो पूरा है और द आधा है,
बुदैधि बुद्धि, और इसका अर्थ है समझ समझ, बुद्धि का अर्थ है समझ। फिर से देख लो, विनती का अर्थ है प्रार्थना, ध्यान का अर्थ है स्मरण, महान का अर्थ है बड़ा, नित्य का अर्थ है रोजाना, वरदान का अर्थ है आशीर्वाद, इंसान का अर्थ है आदमी, नादान का अर्थ है सीधे सरल, विद्या का अर्थ है ज्ञान, सम्मान का अर्थ है आदर, सदा का अर्थ है हमेशा, बुद्धि का अर्थ है समझ। तो आपको कॉपी में मैंने आपको यह समझा दिया है बच्चों, आपके पास बुक है और उसमें भी आप देख लेना, मैंने आपको ये समझा दिया है, ये शब्दार्थ हैं सभी। आपको बुक में कैसे लिखना है, नोटबुक में कैसे लिखना है, आपको एक नई नोटबुक बनानी है और उसमें पेज में सबसे पहले आपको लिखना है पाठ एक, यानी कि लेसन वन, पाठ का नाम भी लिखना है प्रार्थना, और फिर ये कविता, ये भी लिखना है आपको कविता, ये एक कविता के रूप में है, और फिर आपको हेडिंग डालना है शब्दार्थ, हेडिंग क्या डालना है शब्दार्थ, और उसके नीचे आपको ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। ये जो इधर आपका जो नोटबुक का पेज है वो काफ़ी बड़ा होता है, ऐसे लंबा होता है, तो आप ऐसे करना, ये जो 6 है इसके नीचे ही 7 डालना, 8 9 10 नीचे ही, ये जो 6 है 6 के नीचे ही 7 8 9 ऐसे ऐसे लिख लेना आप, ठीक है, क्योंकि कॉपी का जो पेज है वो लंबा होता है काफ़ी, तो आप ये जो शब्दार्थ है ये भी आप इसके नीचे ही लिख लेना, ठीक है, और आपको अच्छे से याद भी करना है, और कोई शब्द अगर नहीं आए पढ़ना तो अपने घर पेरेंट्स से हेल्प ले लेना, और इनको याद ज़रूर करना है, कॉपी में ज़रूर लिखना है, कॉपी में इनको ज़रूर लिखना है, और ये याद भी ज़रूर करना है, ठीक है। बाय स्टूडेंट्स।